नमस्कार दोस्तों, राम राम भाइयों। LM स्टडी एंड जॉब पर मैं अभी आपका स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल ग्रुप है जो LM स्टडी एंड जॉब, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी से हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उसके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। जो हम NCERT की जो कक्षा 11वीं 12वीं बुक है, उसका प्रत्येक अध्याय का विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। जो आज कक्षा 11वीं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के जो पुस्तक है, उसका आज 6ठा अध्याय है। अध्याय का नाम है भू आकृति के एवं प्रक्रियाएँ। हमने पीछे 5 अध्याय कंप्लीट कर दिए है, तो उसको देखने के लिए जो यूट्यूब चैनल है LM स्टडी एंड जॉब, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे आपको वीडियो मिलने में आसानी होगी। तो अब हम विलंब न करते हुए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है भू आकृति एवं प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपट्टी एवं अन्य आंतरिक शस्त्रों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू परपट्टी प्लेट का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात, अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, यानी जो हम भू प्रॉपर्टी पर रहते हैं, तो इसके धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो धरातल असमतल क्यों है, जो धरातल है वह समतल क्यों है, उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। यानी धरातल कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, तो उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम भू परपट्टी गत्यात्मक है। जो भू परपट्टी है वो गत्यात्मक है, गति करती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र संचलित होती थी। भू परपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य इस सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होती रहती है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनके तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भव आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होती रहती है। यानी जो भू परपट्टी है, ये पृथ्वी की आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों से प्रभावित होती है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। यानी जो ये भू परपट्टी है, ये सर्वदा क्या है, परिवर्तनशील है। बाह्य बलों की बाह्यजनिक तथा आंतरिक बलों की अंतर्जनिक बल कहते हैं। यानी बाह्य बलों को क्या कहा जाता है, बहिर्जनिक, और आंतरिक बलों को क्या कहा जाता है, अंतर्जनिक कहलाते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं के परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव, अधिवर्ती तलोचना। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियों निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है, तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती है। जो बहिर्जनिक जो बाहरी बल में जो प्रक्रिया, यानी उच्चावच में जो भिन्नता होती है, जो धरातल को सम करने में क्या है, असफल रहती है। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल है, तथा बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल होती है। यानी जो भू आकृति के निर्माण में सर्वाधिक प्रक्रिया किसकी है, बहिर्जनिक, यानी अंतर्जनिक है। अंतर्जनिक बल है ये भू आकृति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और बहिर्जनिक जो बल होती है, प्रक्रियाएं होती है, मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल होती है।
भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है तथा इसका व्यापक एवं संघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावना बचाए रखना चाहिए। यानी मनुष्य है, इन्होंने पर्यावरण का बहुत दोहन किया है, दोहन भी कर सकते हैं, मगर यह भी सोचकर दोहन करना चाहिए कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको संकट ना हो, वो भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है। इस प्रकार खनिजों का दोहन करना चाहिए, पर्यावरण का दोहन करना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग दुरुपयोग तथा कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रही है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनमें यह निर्मित है को समझ लिया तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसे संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यानी भू आकृतियों का निर्माण किसका किस प्रकार होता है तो इसको जानने के बाद में जो दोहन है उसका सही तरीके से दोहन किया जा सकता है और भविष्य के लिए जो आने वाली पीढ़ियाँ उसके तक बचाए रख सकते हैं। उसके बाद है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, जियोग्राफिक प्रोसेसें। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाहर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचन हुई है। अपक्षय वृत्त क्षरण अपरदन निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया जाएगा। यानी जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो जिसका हम पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता होती है, यानी ज्वालामुखी से किस प्रकार निर्माण होता है और पटल से किस प्रकार विरूपण होता है, इसका हम पिछले अध्यायों में अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद हम अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो पहले इस अध्याय में इकाई में संक्षेप में विवेचन कर सके, अब छह वृत्त क्षरण अपरदन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। जो अपरदन और निक्षेपण है ये बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। यानी प्रकृति के किसी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम और वायु इत्यादि को धरातल के पदार्थों को अंतर्ग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है तो उसे भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएँ तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता है और ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। यानी भू आकृतिक कारक यानी भूमि की आकृति को निर्माण करने के लिए इन सब का योगदान रहता है, जिसमें कौन कौन है। जल है वो जैसे हिमालय से जल बहता हुआ जो सिंधु नदी, गंगा नदी है वो बहती हुई इधर निचले मैदानी भागों में आती है तो अपने साथ जो बजरी लेकर आती है, कंकर पत्थर लेकर आती है और जो जलोढ़ मिट्टी है वो लेकर आती है तो यहाँ पर जो जलोढ़ का मैदान का निर्माण होता है तो इसमें क्या है, नदियों का भी योगदान रहता है। और हवा जो रेगिस्तान में हवाएं चलती है बहुत तेज गति से, वो अपने साथ बहुत सारे धूल कण ले जाती है और जी हाँ एक स्थान से धूल कण को उठाकर दूसरे स्थान पर जमाव कर देती है जिसे दोहरे या टीले कहा जाता है। लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृति कारक कहते हैं। इस प्रकार सभी जिससे क्या है भू आकृति को निर्माण में बहुत सारा योगदान है। क्या आप समझते हैं भू आकृति कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है, तो इसके बारे में हम अब आगे अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण
ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों एवं दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटों जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल निरूपण तथा ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई तथा दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कारण कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। यानी जो अंतर का ताप है और बाहर का ताप है, यानी बाहर की ऊष्मा है या ताप है, तो उन दोनों का भी क्या भूप्रपट्टी के निर्माण में बहुत सारा योगदान है। अब आगे आता है पटल विरूपण। सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचलित उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। यानी जो सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचलित और उत्थापित तथा निर्मित करती है वह पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। वो सभी क्रियाएं इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनी प्रक्रियाएं धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संकलन महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप परपट्टी स्लेट के क्षेत्रीय संचलन में प्लेट विवर्तनी की भूमिका प्लेट विवर्तनी परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूप्रपट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृतियां हो सकती है। यानी इसमें क्या बताया है कि पटल निरूपण है जो भूआकृति निर्माण में जिनका भी योगदान होता है वो सभी पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। धरातल में बड़े भाग उत्थान या विकृति से संकलन महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं हो या अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप हो, ये सभी किस में आते हैं? पटल निरूपण में आते हैं। उसके बाद है भू आकृतिक प्रक्रियाएं परवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रियाएं परवर्तनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं में भू प्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। जो शैलें होते हैं, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, कायंत्री, अवसादी, आग्नेय शैल, इस प्रकार तीन प्रकार के शैलें होती है, तो उन शैलों का भी निर्माण जो कायांतरण है वो किसके कारण होता है? दबाव आयतन और तापक्रम में परिवर्तन होता है, उसी कारण ये होता है। ज्वालामुखीयता ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा को भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इसी पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं विशेष एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलें शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। यानी पिछले अध्याय में हमने जो आग्नेय शैल का अध्ययन किया था, आग्नेय शैल के शीर्षक से जिस पैराग्राफ का अध्ययन किया था, तो उसमें बताया गया था कि ज्वालामुखी का भी कुछ योगदान रहता है भूआकृति निर्माण में। ज्वालामुखी से क्या होता है? ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा बाहर आता है वो धीरे धीरे जम जाता है, तो धीरे धीरे जमने से क्या होता है कि उसके जो पत्थर के
या अंश है ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उसके कण है जो बड़े बड़े होते हैं, और जो मैग्मा है वो बाहर तुरंत जम जाता है, तो उसे उसके कण है वो महीन होते हैं और वो चिकना होता है। उसके बाद है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। अब बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपने ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों के शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। यानी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं है वो अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। यानी ज़्यादातर तो ये ऊर्जा है ये सूर्य से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल विलक्षणकारी बल होते हैं, यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। यानी जो इसमें ढाल की दिशा में पदार्थ की संचलित प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रतिबल की प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, यानी जो ठोस बल है वो धक्का एवं खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, तो इसी के कारण सक्रिय बल एवं अपूर्ण बल होते हैं, यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। जो ये आपस में बल लगता है तो इससे क्या होता है, जो शैलें और धरातल है ये आपस में टूट जाती है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होता है, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं सामान्यतः कणों के बीच बंधन को ढीला करते हैं एवं विलीय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय वृत्त क्षरण संचलन अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। यानी इस पैराग्राफ में क्या बताया, तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं और रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। यानी जो तापमान है वो कणों के बीच में जो बंधन है वो ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होता है अपरदन और अपक्षय क्षरण संचलन और निक्षेपण होता है। क्योंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक दूसरे से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी धरातल पर भी कई प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ प्रक्रियाएँ होती है और अलग अलग प्रकार के तापमान पाए जाते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी बहिर्जनिक जो भू आकृति प्रक्रियाएँ हैं उसे सामान्य शब्दावली में क्या रखा जाता है, अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावर्त करना या आवरण हटाना, अपक्षय वृत्त क्षरण संचलन अपरदन परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र 6.1 अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा बल होता है। जो चित्र 6.1 है ये यहाँ पर दिया हुआ है, अनाच्छादन की प्रक्रियाएं उनका प्रेरक बल, तो उसका हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ अनाच्छादित प्रक्रियाएं दी हुई है, प्रक्रियाएं जिसमें अपक्षय वृत्त संचलन अपरदन और परिवहन इस प्रकार होता है, और प्रेरक बल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपक्षय होते हैं, आणविक दाब तथा एवं रासायनिक प्रक्रियाएं के कारण हो सकता है, और जो वृत्त संचलन है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अपरदन है वो इसमें गतिज ऊर्जा होती है या फिर परिवहन होता है वो गतिज ऊर्जा के कारण होता है। इस प्रकार ये अनाच्छादित प्रक्रियाएं और उनके प्रेरक
बल है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है, जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है जो कि विभिन्न भू आकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व या प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, यानी जो वनस्पति का घनत्व या प्रकार एवं वितरण होता है ये फिर क्या करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, यानी सीधे प्रभाव नहीं डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृति प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। यानी ये इन सभी प्रकार से जो तापक्रम है, यानी कि आप बर्फ पिघलने की आवृत्ति है, तुषार है मतलब हवा है, इन सभी से क्या होती है कि जलवायु प्रदेश के अंदर की भू आकृति प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है, तो इनके पीछे जो एकमात्र प्रेरक बल है वो क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलयन, भ्रंश, संस्तर एवं पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। तो ये सभी क्या बताया कि इन्होंने जलवायु कारकों को बताया है। अब इसमें ये एक चार्ट या फिर चित्र दिया हुआ है, चित्र 6.2 जलवायु में अपक्षय मेंटल की गहराई स्ट्रोक 1967 से रूपांतरित एवं संशोधित है। यहाँ पर ये नूतन सेल इस प्रकार, एक नंबर पर, दो नंबर सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, तीन सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, मृतिका खनिज क्षेत्र, पांच नंबर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र, लोहे एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा। तो इस प्रकार ये सभी क्षेत्र दिए हुए हैं, जिसमें टुड्रा, टेंगा, पोंडजोल क्षेत्र, स्टेपी, अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थल और सवाना। यानी कि इस चित्र में जो दर्शाया गया है, एक नंबर जहाँ भी लिखा है वहाँ पर क्या है, नूतन शैल है। तो यहाँ पर देखो सभी जगह एक एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, नूतन शैल है। सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, तो सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र जहाँ पर दो लिखा है वहाँ पर सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड पट्टी है ये सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है, और तीसरा सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र। तो तीन नंबर यहाँ इस प्रकार के कलर दिया हुआ है, जो रासायनिक सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र है। उसके बाद चार नंबर है, चार नंबर यहाँ पास में दिया हुआ है, जो मृतिका खनिज क्षेत्र है। चार नंबर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है पाँच नंबर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को की अधिकता का क्षेत्र। एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है की अधिकता का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पाँच नंबर पर है, जो एकदम पतली पट्टी बनी हुई है। और छः नंबर है लोहा एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा।
तो यहाँ पर ये 6 नंबर एल्यूमिनियम लोहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा दी हुई है। विभिन्न प्रकार के सेलों अपनी संरचना से भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एवं प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण एवं वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है, अल्पावधि में अनवगम्य हो सकता है, दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अतः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूप्रपट्टि के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। यानी जो भूप्रपट्टि है ये उद्भव से संबंधित है और धरातल के विभिन्न पदार्थों प्रकार एवं संरचना में भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में आदि के कारण एक न एक रूप विद्यमान है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। यानी जो कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण बाहर के कौन कौन से कारण हैं जिससे भू आकृति का निर्माण होता है या फिर भू आकृति की प्रक्रिया चलती है, तो उसके बारे में बताया गया है। अपक्षय में क्या होता है? अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय का मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो अपक्षय है, अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक सवस्थानी या तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो सवस्थानीय या फिर तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक जलवायु स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा परानुकूलित होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है, न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो एक जलवायु से दूसरे जलवायु में क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कई जलवायु में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, और जो उष्ण जलवायु होती है वहाँ तापमान अधिक होता है, जहाँ शीतोष्ण जलवायु होती है वहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो इसी कारण क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया वो अलग अलग प्रकार की होती है। उसके बाद है अपक्षय प्रक्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकार है। जब प्रक्रिया उसके कौन कौन से प्रकार है, तीन प्रकार दिए हुए हैं, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक, ये तीन प्रकार दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक प्रक्रिया गतिमय है ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। यानी ये जो प्रक्रियाएं हैं ये किसी साथ मिलकर काम नहीं करती है, ये अकेले भी काम कर सकती है। जिसमें फर्स्ट स्थान पर आती है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। तो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में किस प्रकार भू आकृति का निर्माण होता है? अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूक्रीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तन हो जाती है।
ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे एवं पशुओं के अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाओं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि विद्यमान सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति से देने के लिए वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बनिक डाइऑक्साइड मात्रा को बढ़ा देता है। यानी पौधे है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है भौतिक अपक्षयन प्रक्रियाएं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षयन प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रोमों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, सूक्ष्म एवं आदर्तन चक्र से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षयन प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती है परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलें की बड़ी हानि पहुंचा सकता है। यानी जो सेलें होती है इसमें भौतिक परिवर्तन यानी मतलब इसमें क्या भूकंप और भारी दाब और अपूर्ण प्रतिबल के कारण क्या होता है, इसमें भूकंप आ जाता है जिसमें क्या होता है इन सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। ये जैविक कार्य एवं अपक्षयन। जैविक अपक्षयन जीवों की वृद्धि या संचलन के उत्पन्न अपक्षयन वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन में खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेंजिंग फान के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोत कर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। यानी इसमें क्या जैविक कार्य से अपक्षयन किस प्रकार होता है कि केंचुआ, दीमक और चूहे क्या होते हैं, ये जमी को खोदते हैं, भूमि को खोदते हैं। चूहा बिल बना देता है जिससे क्या है अंदर पानी चला जाता है, हवा चली जाती है जिससे क्या होता है कि जिससे रासायनिक प्रक्रिया की अनेक आवर्तीय सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। यानी जमीन में नमी रहने के लिए सहायक होती है। और किसान यानी मनुष्य भी इसमें जो जैविक कार्य की अपक्षय है उस अपक्षय है तो उसमें भी मनुष्य का भी कुछ योगदान है। यानी मनुष्य खेत को जोत कर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, सरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती है। यानी इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ें धरातल के पदार्थों को जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देती है। यानी जड़ें भी मजबूत होती है। कभी कभी क्या होती है कि जब जड़ें छोटी होती है तो कुछ नहीं होता, जब जड़ें बड़ी हो जाती है तो उसमें फैलाव होता है तो वो जमीन को क्या देती है, चीर देती है या जमीन तोड़ देती है। अपक्षय के विशेष प्रभाव। तो अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या है, अपसलकन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षयन प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसलकन एवं परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। जो और अल्पसलकन है तो यह क्या है, परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में
उत्खंडित या पत्रकन होता है जिसके परिणाम स्वरूप चीकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अल्पसलकन अपारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अल्पसंख्यक गुंबद एक टार्स क्रमशः अपभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। तो अल्पसंख्यक किसमें प्राप्त होता है? अपभारितकरण से एवं टार्स से वो तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। अपक्षय के महत्व, तो अपक्षय के क्या क्या महत्व है? अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों को में तोड़ते तथा न केवल आवरण परस्तर एवं मर्दा निर्माण के लिए मारक प्रशस्त करते हैं अपितु अपरदन एवं वृहत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षय परावार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं है होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृहत क्षरण अपरदन उचावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृति अपरदन का परिणाम है। इन्हीं अपरदन से ही क्या होता है? स्थलाकृति का निर्माण होता है। सेलों का अपक्षय निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतिम महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अवशेषों का समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी अपक्षय का क्या महत्व है? अपक्षय है ये मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक एवं भौतिक नीलाक्षण के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ के माध्यम से समृद्धिकरण के बारे में बताया गया है कि यानी जो बहुमूल्य पदार्थ है वो अपक्षय के बिना बाहर नहीं निकलते है या फिर प्राप्त नहीं होते हैं, बनते भी नहीं है। तो इसमें अपक्षय से क्या है, बहुत ही योगदान है अपक्षय का। वृद्ध संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का वृद्ध मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं डालते हैं अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल एवं हिम ले जाते हैं। वृद्ध मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं जिनके अंतर्गत विसरण, बहाव, रसखलन, पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालती है। यद्यपि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृत्त संचलन अपक्षयित ढालों एवं अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसक्रिय रहता है। यानी वृद्ध संचलन है ये फिर ये क्या करता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो भाव है वायु जल एवं हिम का तो उसके माध्यम से क्या जो मलबे है उसका प्रवाह करता है। तो इससे भी क्या होता है अच्छे ये अपक्षय में सहयोग करता है। वृद्ध संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रभावित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं वृद्ध संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वृद्ध संचलन अपरदन के अंदर नहीं होता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपूर्ण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबंध कमजोर पदार्थ छिछले सहस्त्र वाले सेलों, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए सहस्त्र, खंडे भ्रंग एवं तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलधार वर्षा, वनस्पति का अभाव वृद्ध संचलन में सहायक होते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि पानी का वेग के अंदर अगर मिट्टी आएगी तो मिट्टी को वो काट देगी और पानी के वेग के आगे जो अगर
पहाड़ आएगा तो पहाड़ को उतना नहीं काट पाएगी, इस प्रकार क्या आएगी, अलग अलग प्रकार से अलग अलग योगदान है। वृद्ध संचलन सक्रियता के कई कारक होते हैं, वे इस प्रकार है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थ के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न प्रति कारण अतिभार, अत्यधिक वर्षा, सहतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों का संयन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट, मशीनों में कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटियों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंतर्धुन विनाश, संचलन निम्न तीन रूप होते हैं, अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि एवं अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं संकलन। तो ये इस प्रकार जो सभी तत्व है ये वृद्ध संचलन की सक्रिया में प्रमुख कारक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इन इन कारकों से क्या होता है, वृद्ध संचलन होता है। अब आता है भूसंकलन। भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य संचलन है, इसमें संकलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हैं, असंकलन वृत्त का आकार एवं आकृति, शैलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करती है। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के संकलन पहचाने जा सकते हैं। यानी जो भू संकलन है या संकलन है तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये ठोस प्रकार के होते हैं या फिर ये सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, ठोस नहीं कहकर हम इसको सूक्ष्म कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शैल मलवा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। यानी पश्च आवर्तन के साथ शैल मलबों के एक या कई इकाइयों के फिसलन को क्या कहते हैं, अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलवा का तीव्र लोटन या संकलन मलवा संकलन कहलाता है। मलवा संकलन में खड़े या परलंबी फलक से मिट्टी मलवा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे प्रत्यक्ष शैल वृद्ध के संकलन का शैल संकलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल संकलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.3 में तीव्र ढाल पर भू संकलन की खरोच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सारे संकलन एक समतल्य पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे शैल संकलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं इसे अलग करता है। यानी तीव्र ढाल होती है तो वहाँ पर जो मलबा है वो तीव्र गति से या फिर ज़्यादा खिसक जाता है मलबा, तो उसमें क्या होता है कि शैलों में पतन हो जाता है या फिर शैल बिखर जाती है। ये चित्र दिखाया गया है तीव्र ढाल वाला। भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखलाओं में भूसंकलन सक्रार। यानी जो हिमालय है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये फिर ये क्या है नवीन वलित पर्वतमाला है, यानी नई पर्वतमाला है, तो इसमें क्या था भूसंकलन के या फिर ये फिर जो भूसंकलन होता है ये फिर ज़्यादा देखने को मिलता है। इतना भूसंकलन है ये फिर जो प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली, तो इसमें ये भूसंकलन नहीं होता है। भूसंकलन है वो नवीन वलित पर्वतमाला में होती है, क्योंकि इन पर्वतमालाओं का अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। वृत्त क्षरण एवं वृत्त संचलन में से आपके अनुसार कौन से शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों मृदा सपरण का तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ये तो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। हमारे देश में मलवा अवधाव एवं भूसंकलन हिमालय में प्राय घटित होता है। इनके अनेक कारण है। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है।
हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। यानी जो तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाते हुए नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के जो पश्चिमी घाट पर अपेक्षाकृत जो पर्वत है वो क्या है, कठोर है, कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यानी ये इतने विकसित होने के बाद भी कहीं कहीं कई कई बार ये भूस्खलन देखने को मिले। उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भरों के कंकार के साथ तीव्र तरह तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप प्रेशर के कारण यांत्रिक अपचय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधान के साथ प्राय सीधे शैल पतन होता है। तो इनसे क्या होता है, भूस्खलन में शैल जो शैलें होती है अलग अलग प्रकार के, उन शैलों में क्या होता है, पतन हो जाता है या फिर ये टूट जाती है आपस में से। इसके बाद है अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अव्याप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें एवं अपचयन एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो अपरदन की भू आकृति कारक जैसे कि प्रभावित जल, भौमजल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको यह एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाती है, जो कि इन कारकों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करती है। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबों द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विकर्षित होता है। इसका तात्पर्य है कि अपचय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपचय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। तो इसमें अपरदन के में क्या बताया गया है कि ये जो जल है, भौमजल है, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं, धाराएँ, ये सभी क्या है, अपरदन के मुख्य कारक हैं। इनसे सभी से क्या होता है, अपरदन होता है। जल से भूमि का अपरदन हो जाता है, भौमजल से जो भूमि के अंदर जल है, हिमानी है, बर्फ़ है, बर्फ़ से भी क्या होता है, अपरदन होता है। और वायु है, वायु के द्वारा जो मिट्टी है वो कटती है, इन सभी से क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन से क्या होता है, उच्चावच का निम्नीकरण होता है तथा भूदृश्य विकर्षण होता है। इसका तात्पर्य है कि अपचय अपरदन में सहायक होता है। जो अपचय होता है वो क्या होता है, अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपचय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। तो अपरदन के लिए अपचय होना अनिवार्य नहीं है, ये तो अच्छी है, वो तो ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन अपचय अपरदन के लिए अनिवार्य दिशा नहीं है। अपचय वरद क्षरणों एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। वरद संचलन एवं अपरदन में अंतर है। वरद संचलन में शैल मलबा चाहे एवं सूक्ष्म चाहे वह सूक्ष्म हो अथवा नमन गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधारशिला आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं डाते हैं। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र 6.1 में स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएँ तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दिशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी प्रथम तीन है जो वायु, प्रवाहशील जल और हिमानी, ये सब क्या होता है, जलवायु दिशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी जो भूसंकलन होता है वो भी अपरदन के द्वारा होता है, न कि वायु के द्वारा होता है। अपरदन के दो अन्य कारक लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ये जो लहरें की धाराएं होती है और भूमिगत जल होता है, ये जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र को आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य है, तो केवल कार्स्ट चूनाकृत आकृति का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन जो अगले अध्याय पढ़ेंगे उसमें जो भू आकृति अपरदन के कारण भू आकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। निक्षेपण अपरदन
का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिमाणतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वही अपरदन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लगे जाते हैं। यानी इसमें क्या बताया, अपरदन के कारक है जैसे प्रवाहयुक्त जल है, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं, धाराएं हैं, भूमिगत जल है इत्यादि तलोचन एवं निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी ये निक्षेपण के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे प्रवाहयुक्त जल है, ये नदी है, नदी कहीं से काटती है तो वहाँ पर क्या होता है, अपरदन होता है, और जो काट के दूसरी जगह पर ले जाती है वहाँ पर छोड़ देती है तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या क्या होता है इसकी विवेचना अगले अध्याय भू आकृति के उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया जाएगा। अब आता है मृदा निर्माण। तो मृदा का निर्माण किस किस प्रकार होता है। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उनका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है क्या आप बता सकते हैं। यानी मृदा है, उसके अंदर क्या होता है, पौधों का विकास होता है, उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हाथ में ले सकते हैं, तो आपको मृदा कैसा अनुभव होता है जब आपके कपड़े उस पर मिट्टी लग जाती है। तो मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। तो मृदा एक क्या है, गत्यात्मक माध्यम है जिसमें रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं अनवरत यानी बिना रुके हुए चलती रहती है। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है, यह वृत्ति का माध्यम भी है, यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है, इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है, यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती है तो घासें सूख जाती है और जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। यानी मृदा में क्या होती है कि पेड़ के नीचे आपने देखा होगा कि जहाँ पर पेड़ के नीचे ज़्यादा पत्तियाँ गिरती है कई पेड़ों के नीचे, तो वहाँ पर क्या होता है, घासें हैं वह सूख जाती है, घासें नहीं उगती है और जो जैव पदार्थ है वो वहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया, यानी मृदा किस प्रकार निर्माण हुआ है मिट्टी का। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षय पारावर अपक्षय पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षय पारावार या लाए गए पदार्थ के नीचे बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। पारावार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे को मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्श की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज अभार छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता वायु के प्रवेश आदि के कारण अतः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पादन युक्त मृदा निर्माण होता है। तो इस प्रकार इन्होंने मृदा निर्माण के बारे में कुछ बताया गया है। यानी सर्वप्रथम क्या होता है, अपक्षय पारावार लाए गए पदार्थों का निक्षेपण बैक्टीरिया अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किया जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ह्यूमस बढ़ता है और पक्षियों के द्वारा जो बीज लाए जाते हैं, बीजों से क्या होता है, वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होती है। फिर पौधे होते हैं, पौधों में क्या होता है कि वहाँ छोटे छोटे जीव होते हैं वो वहाँ पर छिद्र कर देते हैं या फिर बिल कर देते हैं, जैसे चूहा है उसके माध्यम से अंदर वायु चली जाती है और जल चला जाता है जिससे पौधों का विकास हो जाता है और मृदा का
खनिज एवं जीव उत्पादन युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेंडोलॉजी मृदा विज्ञान है, तो मृदा का विज्ञान कौन सा है? पेंडोलॉजी है। एवं पेंडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है, यानी पेंडोलॉजी क्या होता है? मृदा विज्ञान है। और पेंडोलॉजिस्ट क्या होता है? एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक, यानी मृदा निर्माण किन के कारकों से होती है, तो उसके कौन कौन से कारक है? मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। यानी मृदा निर्माण में कितने कारक है? कुल 5 कारक है। ये कारक है मूल पदार्थ यानी शैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। ये 5 कारक है जिससे मृदा का निर्माण होता है। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हुए एक दूसरे के कार्य से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। तब इसका एक एक का अध्ययन करेंगे कि किस किस प्रकार इसका मृदा में योगदान है। जलवायु, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायुवीय तत्वों में प्रमुख है। प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसम एवं दैनिक भिन्नता, ये सब क्या है? मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। मूल पदार्थ एवं शैलें, जलवायु हो गया, क्लाइमेट, अब आता है शैलें। मृदा निर्माण में मूल शैलें एवं निष्कर्ष नियंत्रण कारण है, कारक है। यानी मृदा निर्माण में मूल शैलें एवं निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तो मृदा निर्माण का निष्क्रिय नियंत्रक कारक कौन सा है? तो क्या है? शैलें हैं। मूल शैल कोई भी सब स्थानों या उसी स्थान पर अपक्षित शैल, मलवा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए नीचे परिवीकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलवा के आकार, संरचना तथा शैल के निक्षेपण के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर अथवा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैल एवं मृदा में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएँ मिल सकती है, परंतु जब मृदा बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है तो मृदाएँ एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएँ विशिष्ट एवं विचित्रित होती है, मिट्टियाँ मूलतः शैल से स्पष्ट संबंधित दर्शाती है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि मृदा निर्माण में शैल का प्रमुख घटक है, या फिर शैल है ये मूल पदार्थ है मृदा निर्माण का। इसी के द्वारा क्या है, तो शैलों का अपक्षय से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद स्थलाकृति या उचावच, मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। यानी मृदा निर्माण में दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक कौन सा है? तो वो स्थलाकृति या फिर उचावच है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपस्थही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिसरण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूलन होता है। यानी उच्चावच और स्थलाकृति से भी मृदा के मूल तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि स्थलाकृति धरातलीय उप सतही अपरवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थों के संबंध में भी प्रभावित करती है। जहाँ तीव्र ढाल होती है वहाँ मृदा छिछली होती है, छिछली एवं सपाट होती है, और जहाँ उच्च क्षेत्रों में मिट्टी क्या होती है? गहरी होती है या फिर मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ मृदा अपरदन तथा जल का परिसरण अच्छा रहता है, निम्न ढालों में क्या होता है? मृदा अपरदन है वो कम होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चिक्का मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। उसके बाद है जैविक क्रियाएं। वनस्पति आवरण एवं जीव या मूल पदार्थ पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहती है। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा
को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थों के खनिज के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरिया कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट के संयंत्र विकसित हो जाते हैं। यानी जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर क्या है ह्यूमस एकत्रित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी गति से होती है। जो ह्यूमस की प्रधानता है वो अधिक होती है ठंडे स्थानों में। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में न्यून बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संयंत्र विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रिया संघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा में गैस नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं जिसका पौधों का द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। यानी क्या होता है कि वनस्पति में शीघ्रता से ऑक्सीजन हो जाता है जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो रहती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा में गैस या नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं। यानी जो जीव है वो हवा से गैस या नाइट्रोजन प्राप्त करके रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं जिससे उसका उपयोग है वो पौधे कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी दीमक केंचुए कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक सा होता है परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एक रसायन परिवर्तन हो जाता है। इन सभी का योगदान जो छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं उनका भी मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। जो केंचुए है वो मिट्टी खाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं उस मिट्टी का। और जो चींटियाँ होती है वो दीमक चींटियाँ वो मिट्टी को बाहर लाती है फिर अंदर ले जाती है बाहर ले जाती है वो अंदर चले जाती है इस प्रकार मिट्टी को फोड़ने का काम करती है। उसके बाद है मिट्टी निर्माण में कालावधि का क्या योगदान है। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसका पार्श्विक का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानीटिल से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती थी तथा उनमें संस्तर का अभाव होता था अथवा कम विकसित संस्तर मिलता था। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। यानी मिट्टी निर्माण के लिए कोई कालावधि फिक्स नहीं है कि कुछ भी कितना भी समय लग सकता है इसमें। ये यहाँ पर कुछ बहुलिक प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सी है। अपरदन है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। तो ये लवण को प्रभावित करती है। तो आज हमने ये कक्षा 11वीं लैब असिस्टेंट के लिए कक्षा 11वीं की जियोग्राफी बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसका आज ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ये भू आकृति है उसका विकास चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो गया आज। तो इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप अलमी स्टडी एंड जॉब जिसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो हमने एक बार भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल अलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगी। आप वीडियो के देखने के बाद एक बार PDF पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से
सभी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सभी याद हो जाएंगे आपका, उसके बाद प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जो बीच बीच में जो पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम भौतिक भूगोल या जो इसके बारे में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, तो इन जीव जंतुओं की आवाज़ है वो आपको मधुर लगे और क्लास में बाधा उत्पन्न न हो, इसीलिए ऐसा मानना चाहिए कि ये क्लास आपके लिए अच्छी है। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।